नौशीरी, दिलशाद की वजह से मेरी बच्ची का क्या हाल हो गया? बस इसी दिन के खौफ की वजह से आज तक दिलशाद से सारे रिश्ते तोड़ दिया। मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। तुम लोग सब मुझे बुरा समझते रहे, लेकिन अब देख लो नौशीरी, जब मैंने उसका सामना करने की हिम्मत करी तो देखो ना उसने मुझे क्या सजा दी मेरी बच्ची का। भाभी नहीं, हुमैरा की हालत देख के दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा है भाभी। समझ में नहीं आ रहा कि दिलशाद ने ऐसा क्यों किया। उन्हें नुकसान पहुंचाना था तो मुझे पहुंचाती। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। असद, मुझे तुमसे बात करनी है। इस वक्त नहीं अम्मी, मुझे बहुत काम है। तुम्हें पता है भाईजान तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि उनका स्क्रू थोड़ा सा ढीला है। मेरा मतलब है कि वो दूसरों जैसे नहीं है, बहुत इंट्रोवर्ट है। अपने दिल की बात जुबान तक लाते लाते उन्हें बहुत वक्त लगता है। पर इसका मतलब ये थोड़े ना कि उनके अंदर जज्बात ही नहीं। शायद वो ऐसे इसलिए है क्योंकि उन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है। ट्रस्ट मी, आज तुम्हारे साथ यहाँ होने के लिए वो जितने ज्यादा बेचैन है मैं ही जानती हूँ। Trust me, मैं वहां सिर्फ अयान। अयान को बीच में मत खींचिए। तुमने कहा था ना, जोया ने सब कुछ बिना सोचे समझे किया, मगर सच तो ये है कि उसने जो कुछ भी किया तुम्हारे बारे में सोचकर किया। जो कुछ भी किया सब तुम्हारे लिए किया सर। उसकी जगह अगर कोई और लड़की होती तो आराम से बैठे बैठे तुम्हें तुम्हारे भाई के लिए आंसू बहाते हुए देखती रहती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जोया वहां गई ताकि तुम अपने भाई की सगाई देख सको। तुमने ये भी कहा था ना कि जोया के लिए सब कुछ मजाक है। इसमें क्या मजाक था असद? इसमें जोया का क्या फायदा था? जोया ने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया, तुम्हारी खुशी के लिए, और तुमने बदले में क्या किया? उसकी बेइज्जती की, उसे जलील किया और घर से बाहर निकाल दिया।
ये रहा आपका बोर्डिंग पास, आधे घंटे में आपकी बोर्डिंग शुरू हो जाएगी, आइए मेरे साथ। आपको स्कॉट करेंगे। सो आज समय हो गया धुरंधर भटावडेकर अब तक 76। मिस जोया फारूकी, मैं अगर चाहूं ना तो इस देश में बिना वीजे के आप तो क्या पक्की भी नहीं रह सकती। क्या लगा था आपको कि आप हमारे डिपार्टमेंट को बेवकूफ बना लेंगे? लेकिन जिस मुल्क में मेरे जैसे सच्चे देशभक्त हो ना, वहां किसी को बेवकूफ बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। और मत भूलिए, हमारे साथ और भी लोग हैं, हमारे जैसे वो लड़की जो मुझे बार बार आपके बारे में इंफॉर्मेशन देती रही। रुको, सिक्योरिटी अलर्ट, ब्लू सूट में एक आदमी भाग के अंदर गए। दुनिया गोल है मिस जोया, गोल है, और इस दुनिया के कोने कोने में हमारे जासूस फैले हुए हैं, समझे आप? क्या कहा था मैंने आपसे कि मैं कायदे प्लस कानून का बहुत ही सख्त आदमी हूं? आपने कानून तोड़ा, इसीलिए अब आप इस देश से जा रही हैं। बाय बाय, सॉरी, गुड बाय, क्योंकि अब हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।